दोस्तों आइए चलते हैं केसर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमको एक्सपेरिमेंट में दो प्रकार के केसर चाहिए होंगे, एक असली केसर दूसरा नकली केसर। मेरे पास दोनों प्रकार के केसर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप मेरी स्प्लेट में देख सकते हैं, एक बाउल एक कटोरी में नकली केसर है और 3 पैकेट जो आप देख रहे हैं जो प्लेन डिब्बी है इसमें नकली केसर है, जिसको मैंने एक कटोरी में कर लिया है। जे आप पैकिंग वाला देख रहे होंगे जिसपे कुछ प्रिंटेड भी है, ये मेरे पास असली केसर है जिसको मैंने एक लकड़ी के बॉक्स में रख लिया है। दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट से पहले बात करेंगे केसर के बारे में बताने की। केसर जो है हमारे भारत में जम्मू जम्मू के किश्तवाड़ा जिले में मिलता है और श्रीनगर में आपको मिलेगा पाम्पोर जगह पे। ये वहाँ इन दो जगह पर इसकी खेती बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। केसर सर्वप्रथम दक्षिण यूरोप से आया, इसकी सबसे पहले खेती दक्षिण यूरोप में होती थी, उसके बाद अब जहाँ ठंडे देश है वहाँ भी होती है। फिलहाल अपने यहाँ भारत में तो जम्मू और कश्मीर में इसकी खेती होती है। इसको इंग्लिश में सैफ्रॉन भी कहते हैं और जाफरान भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास 2 बाउल हैं, कटोरी बिल्कुल खाली है। इनमें अब मैं नॉर्मल पानी डाल रहा हूँ। दोस्तों हम लोगों को पानी एकदम फिल्टर वाला लेना है, साफ। गंदा पानी लेंगे तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो साफ नहीं आएगा। और ये याद रखना है कि पानी जो है आधी कटोरी होना चाहिए, ज़्यादा पानी में कलर का इफेक्ट अच्छे से नहीं दिखता है। देख रहे होंगे मैंने प्रैक्टिकल के लिए जो है नकली वाला केसर इस बाउल में ले लिया है, असली वाला भी ले लिया है, देख रहे होंगे सील पैक है। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस एक्सपेरिमेंट के साथ में कि नकली वाला केसर थोड़ा थोड़ा देखने में हल्का सा सफ़ेद भी लगेगा कहीं कहीं पे, इसमें जो रेशे हैं और बहुत महीन हैं, जबकि थोड़ा सा ये वाला जो है असली वाला ये मोटे रेशे का है। आप देखेंगे कि याले झोला छाप और रोड पे घूमने वाले आपको बार्गेनिंग के साथ ये देंगे और बहुत मात्रा में देंगे, लेकिन याला जो है बहुत ही कॉस्टली है और बहुत कम मात्रा में मिलेगा। और आइए चलते हैं, अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट और इसकी थोड़ी सी मात्रा मैं इस कटोरी में मैंने डाल दिया है और जो नकली वाला है इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख रहे होंगे कि जो नकली वाला केसर है पानी में डालते ही उसने अपना कलर छोड़ दिया है, जबकि असली वाला जो है बहुत ही धीरे धीरे अपना कलर छोड़ रहा है। कि जो नकली वाला केसर है इसको मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ तो बिल्कुल उसका चटनी बनी जा रही है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सब ऐसा एकदम मैश हो रहा है, बहुत अच्छे से सब घुला जा रहा है। जबकि जो असली वाला केसर है उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो असली वाला केसर है जाफरान जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल अभी भी वैसा ही रेशा उसका मोटा है और आसानी से मैश नहीं हो रहा है, रगड़ने पर भी ये टूट नहीं रहा है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं यही केसर आपको यूज़ करना है, गर्भवती महिलाओं को इसी केसर का यूज करना है, सेवन करना है। बात करते हैं कि केसर इतना महंगा क्यों मिलता है, और ये हमारा सबसे महंगा मसाला होता है, स्पाइसेस होता है। ये इसलिए महंगा होता है क्योंकि लगभग 1 लाख फूलों में 500 ग्राम से भी कम जाफरान या केसर बैठता है और इसकी लागत भी बहुत बैठती है और मजदूरी भी बहुत बैठती है, इसलिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा महंगा रहता है। और बात करते हैं इसके फ़ायदे की, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका होता है जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो अपने शिशुओं के लिए करती हैं, जिससे उनका शिशु सुंदर और अच्छा दिखाई दे। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे चेहरों पे आई हुई झुर्रियों को दूर करता है, जो बढ़ती हुई उम्र को नेचुरल करता है, ठीक करता है और हमारे जो हेयर फॉल हो रहे हैं उनको रोकता है। दोस्तों इसमें उष्ण वीर्य प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, हमारी फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है और हमारे जो वेट लॉस है उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम VMI द्वारा चेक करते हैं। इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसको ये रिड्यूस करता है। साथ ही साथ इसका अगर आप 6 से 8 हफ्ता तक यूज़ कर रहे हैं तो आपके वेट लॉस को तो कर ही रहा है ठीक, आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।